दोस्तों हम पहुंच गए हैं बागा बीच और यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस बागा बीच में। देखिए काफ़ी सैलानी लोग यहाँ पे आए हैं और काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे दूर दूर से, और ये नाव भी दिख रही है, बहुत बड़े जहाज, सीप, बोटिंग, बहुत खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है दोस्तों। और मैं गोवा पहली बार आया हूँ दोस्तों घूमने के लिए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इस वीडियो में रहेगा व्यू दिखाने के लिए। और देखिए काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे, और ये अंजुना बीच पहुंच गए हम लोग बागा बीच के बाद। और यहाँ पे देखिए कैसे लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि गोवा एक बहुत ही अच्छे प्लेस है जहाँ पे घूमने का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बीचेस है यहाँ पे, समुद्र है, और यहाँ पे काफ़ी पर्यटक लोग आते हैं घूमने के लिए दूर दूर से, सैलानी लोग, और काफ़ी मनमोहक दिख रहा है दोस्तों। और बहुत ही लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत ही काफ़ी क्राउड दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आ रहा है एंजॉय के साथ। और देखिए बोटिंग बाइक के साथ एक आदमी खड़ा है, इससे मैं रेट ज़रा पूछता हूँ कि इसका क्या रेट है, चार्जेस है भाई साहब इसका क्या रेट है। तो भैया ये बोल रहे हैं कि कुछ कहता हूँ मैं 1500 बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, मैं आपको सीधे पैराग्लाइडिंग करूँगा, जो मैं पैराशूट के द्वारा ऊपर जाते हैं उससे पैराग्लाइडिंग नीचे आती है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ये देखिए हम बोट में बैठने के लिए जा ही रहे हैं, देखिए दोस्तों ये बहुत ही लहर आ रही है, उठ रही है, और हम लोग यहाँ पे पता कर रहे हैं चार्जेस क्या क्या है। तो ये बागा बीच का बहुत ही सौंदर्य भी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, देखिए काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे शायद दिल चाहता कि मूवी की शूटिंग हो चुकी है, ऐसा मुझे लग रहा है काफ़ी मूवी की शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है। और ये व्यू बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। अब मैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों, और मैं ये तैयार हो गया हूँ, लाइफ जैकेट मैंने पहन लिए है, और अब मैं ये पैराशूट के द्वारा ऊपर, भाई साहब मुझे छोड़ेंगे, और फिर मेरे को बहुत घबराहट हो रही दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऊपर जाऊँ। ये मैं चले गया दोस्तों मैं ऊपर चले गया, और बहुत ही मज़ा आ रहा है, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। अच्छा भी लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है दोस्तों, बहुत ही यहाँ से खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, बहुत ऊंचाई में मैं पहुँच गया हूँ, और भाई साहब मुझे छोड़ ही दे रहे हैं, और मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। ये अभी भाई साहब मुझे नहीं दे रहे हैं, मैं नीचे आ रहा हूँ दोस्तों, डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, और मुझे घबराहट हो रही है दोस्तों, लेकिन मैं नीचे आ रहा हूँ दोस्तों, आ रहा हूँ, और मैं हवा में अपने दोनों हाथ छोड़ दिया हूँ दोस्तों। वाह, ये अभी मैं ट्रिप करूँगा दोस्तों, ये अब मैं सीधे समुद्र के नीचे होती, ये समुद्र में इंजॉय करते हैं, ये पानी के साथ, और ये काफ़ी नज़ारा है यहाँ का। और ये इवनिंग टाइम हो गया है, और इवनिंग में मेरा चेहरा उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, ये मैं सो गया, और मैं लेट भी गया दोस्तों, ये लहर आते हुए बहुत ही, और ये गोवा का खूबसूरत नज़ारा है बागा बीच, जिस रिज़ॉर्ट में हम रुके थे, ये वो रिज़ॉर्ट का नाम है ऑक्सीजन क्लब, जिस रिजॉर्ट में हम रुके थे उसका नाम है, और ये वहाँ पे स्विमिंग पूल है, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ये खूबसूरत कॉटेज बने हैं, और बहुत ही हरियाली है यहाँ पे, बहुत ही पेड़ पौधे लगे हैं यहाँ पे, और बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों। वाकई में गोवा बहुत ही घूमने लायक जगह है, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, यहाँ पे आना चाहिए। और ये देखिए हमारे भाई साहब स्विमिंग पूल करते हुए करने जा रहे हैं, और जहाँ हम रुके थे वहाँ रशियन पार्टी शुरू हो गई दोस्तों, ये वाह मैं भी डांस करूँगा दोस्तों इसके बाद। अब हम कसिनो जा रहे हैं दोस्तों, और एक कसिनो का नाइट व्यू जो कि गोवा में है, और यहाँ हम जाने वाले हैं दोस्तों अंदर एंट्री। अरे भैया कौन से पैकेज के थ्रू जाएंगे अपन, कौन से इसमें जाएंगे बताओ ना भैया, बिग डेडी या डेल्टिन जेक? तो दोस्त लोग बोल रहे हैं कि डेल्टिन जेक जाने वाले हैं, बस दोस्तों ये हम ये पहुंच गए हैं, बिग डैडी नहीं जाते, लेकिन डेल्टिन जेक बहुत अच्छा है, हम डेल्टिन जेक जाएंगे कैसीनो में,
और वहाँ पे इंजॉय करेंगे हम दोस्तों। ये हम पहुँच गए गेल्टिन जेक जॉय, ये मेरे हाथ में मॉकटेल है दोस्तों। ये 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 आओ आओ गोवा में पार्टी कर रहे, ये 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 गोवा वाले बीच पे दोनों आके नीच के ठंडे ठंडे बियर पिएंगे दोनों बीच के। वाह वाह काफी हम एंजॉय कर रहे दोस्तों। और ये मैं जूस पी रहा हूँ। ये कुछ गर्ल्स नाच रहे हैं यहाँ पे और ये हो रहा है ऑर्केस्ट्रा पार्टी। काफ़ी लोग यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं इनका नज़ारा डांस करते हुए। ये 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 वाह वाह अमेजिंग वंडरफुल म्यूजिक। हाँ म्यूजिक नहीं सुना सकता दोस्तों, लेकिन आप यहाँ पे जरूर आएंगे तो म्यूजिक के साथ काफ़ी आप आनंद ले सकते हैं गोवा में। और जहाँ मैं डेल्टिन जेक में आया हूँ, ये डेल्टिन जेक का ही अंदर का व्यू है जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। लोगों यहाँ पे जो गर्ल्स लोग नाच रही है और कुछ बॉयज लोग भी है जो उनका साथ दे रहे हैं और बहुत ही मजा आ रहा है दोस्तों। वाओ वाओ ये वाओ 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 ये काफी इंटरेस्टिंग के साथ अच्छा मजा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। वाओ वाओ या ये अभी दूसरा डांस चालू हो रहा है दोस्तों। ये दूसरी गर्ल्स लोग आ गए सेनोरिटा। ये सेनोरिटा का जो ना आपने गाना सुना होगा वो सेनोरिटा का गाना से बज रहा है। सेनोरिटा ये मैंने जाना ये 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 ऐसा लगता है कि काश मैं भी इनके साथ नाच लूँ दोस्तों, लेकिन क्या करूँ ये गोवा है और मैं इनके साथ नहीं नाच सकता क्योंकि यार खाने का इच्छा लग चुका है दोस्तों। यहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे वेज भी है और नॉन वेज भी है दोस्तों। काफ़ी यहाँ पे लोग आए हैं, काफ़ी भीड़ दिख रही है यहाँ पे और सब लोग अपने अपने सेल्फ सर्विस है यहाँ पे। कुछ बियर वाइन भी है यहाँ पे, बियर लेते हुए भाई साहब दिख रहे यहाँ पे और मैं तो कॉफ़ी पी रहा हूँ दोस्तों। वेज भी है नॉन वेज भी है दिख रही है क्या करता है लोग भाई साहब आ रहे हैं दोस्तों लोग खाना देते हुए है। और दोस्तों ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये दरअसल बिल्डिंग नहीं है रंग बिरंगी। ऐसा लगता है कि अपन किसी के घर आया है शादी अटेंड करने के लिए, ऐसा लगता है कि शादी का माहौल है जबकि शादी का माहौल नहीं है दोस्तों। ये है एक क्रूज़ और बहुत ही बड़ा क्रूज़ है और बहुत ही शानदार दिख रहा है जिसका नाम है जैसे दोस्तों कसिनो प्राइड। और कसिनो प्राइड में हम गए नहीं थे, दरअसल इसके जस्ट बगल में था डेल्टिन जैक, उस कसिनो में हम गए थे और जाकर हमने व्यू पूरा दिखा है जहाँ पे डांस करते हुए। बड़े बड़े यहाँ पे सीप है जहाज है जो नाइट व्यू में एक अलग ही गोवा का नज़ारा दिखाई देता है दोस्तों। आप भी ज़रूर आइएगा और यहाँ पे एंजॉय करिएगा, बहुत ही अच्छा है गोवा घूमने लायक। ये देखिए दोस्तों ये दिख रहा है कसिनो प्राइड, देख रहे हैं कितना बड़ा दिख रहा है ये। बाप रे बाप बहुत बड़ा है ये तो, काफ़ी लोग आ जाते हैं ना, 500,000 कम से कम पब्लिक तो आई जाती है दोस्तों ऐसा सुनने मिला है। और जिस मैं बोट से व्यू ले रहा हूँ, ये छोटी बोट है जो यहाँ से आपको अगले तक के छोड़ती है और जहाँ से आपको पिकअप करेंगे और नेक्स्ट उसमें छोड़ेंगे। और ये है दोस्तों हमारा डेल्टिन जेक जहाँ से हमने अपना चेकआउट कर चुके हैं और हम अपने रेस्टोरेंट जहाँ रिजॉर्ट है में रुके हम लोग, वहाँ हम जा रहे हैं दोस्तों। टाटा बाय बाय, आई लव यू गोवा, फिर मिलेंगे, मैं बहुत जल्द आऊँगा दोस्तों डेल्टिन जेक में। और ये देखिए दोस्तों बिग डैडी, अगली बार हम जरूर आएंगे बिग डैडी में। वेलकम टू गोवा सिंगम। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है टाटा बाय बाय, आई लव यू गोवा।